हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट। मैं हूँ राशि। तो आज हम लोग बात करें विवेरियम इस मूवी के बारे में। इस मूवी की ओवरऑल लेंथ है 1 घंटे 30 मिनट की, और ये मूवी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। मूवी की बात करूँ तो कहानी शुरू होती है जेमा और टॉम से। जेमा एक स्कूल की टीचर है और टॉम एक तरीके का आप कह सकते हो लेबर है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है जब जेमा को ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उसको भी अपने लिए घर लेना चाहिए। तो इस वजह से वो टॉम को बोलती है और दोनों आपसी सहमति से एक स्टेट एजेंट से मिलने जाते हैं जिसका नाम होता है मार्टिन। अब वह जाने के बाद इन लोगों की लाइफ किस तरह से बदलती है, बेसिकली यही इस मूवी की कहानी है। और ये कहानी इतनी लाजवाब है कि मैं आपको बता दूं, बॉलीवुड वाले इस तरीके की कहानी लिख नहीं सकते। और आप कभी भी ये मत सोचते हैं कि हम लोग इस तरीके की फिल्म बॉलीवुड में देखने को मिल जाएगी। हालांकि इस फिल्म में काफी लूप्स होल है, लेकिन फिर भी इस तरीके की सोच और जो कॉन्सेप्ट फिल्म बनाई काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, काफी यूनिक कॉन्सेप्ट है। और ये कॉन्सेप्ट समझ लो कि आप लोग रियल लाइफ में बहुत बार देख चुके हैं, लेकिन आपने कभी सोचे नहीं थे कि इस कॉन्सेप्ट आपको फिल्म देखने को मिल जाएगी। मैं आपको इतना कह सकता अगर आपको इस तरह की फिल्म देखना पसंद तो आप जरूर देखना। फिल्म में कुछ एडल्ट सीन्स है, मगर वो सिर्फ नाम के लिए कुछ किसिंग सीन्स है और एक एडल्ट सीन है जो कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो। उसको थोड़ा सा भगा दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, अदरवाइज पूरी फिल्म आप फैमिली के साथ बैठ के देखोगे, एंजॉय करोगे। और एंड में काफी कुछ सवाल है जो आपके माइंड में चलते रहेंगे, जिसका जवाब मैं आपको इस वीडियो के एंड में देने की कोशिश करूंगा। तो बस यार यहाँ पर वीडियो खत्म करूँ, यहाँ पर वीडियो उन लोगों के लिए खत्म हो गया जिन लोगों ने इस फिल्म को नहीं देखा है। अब मैं यहाँ पर बात करूंगा स्पॉइलर की, यानी कि तीन सवाल जो मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों के दिमाग में चलते रहेंगे। पहला सवाल ये कि योंडर सोसाइटी को किसने बसाया था, दूसरा वो बच्चे को वहां पर भेजा किसने था, और वो बच्चे की उम्र इतनी जल्दी क्यों बढ़ रही थी, और तीसरा सवाल वहां पर मल्टीपल डायमेंशन थे या नहीं। तो चलिए बात करते हैं इस कुछ सवालों की। सबसे पहले मूवी का टाइटल बता दूं, मूवी का टाइटल विवेरियम। विवेरियम टाइटल का भी मैं आप ट्रांसलेट करो गूगल पे जाके तो मछली घर या तो चिड़ियाघर मिलता है। तो यहाँ पर विवेरियम टाइटल का जो कंफ्यूजन था वो कंफ्यूजन सॉल्व हो गया। खैर उसके बाद मूवी की कहानी शुरू होती। कहानी की शुरुआत में हमें एक घोसला दिखाया था जहां पर कुछ चिड़िया और उसके चूजे होते हैं, लेकिन वहां पर एक और चूजा होता है, वो चूजा होता है कोयल का। अब मैं कोयल की जो एक फैक्ट बात आपको बता दूं, कोयल अपना अंडा कभी भी दूसरों के ही घोंसले में देती है, यानी कि चिड़िया के घोंसले में देती है। और वो उसका जो चूजा होता है कोयल का, वो क्या करता है, वो इतना चालाक होता है कि जैसे वो थोड़ा बड़ा होता है वो चिड़िया के चूजों को बाहर गिरा देता है और खुद वहां पर रहने लगता है, और खुद वहां से बड़ा होकर वहां से निकल जाता है और चिड़िया कुछ नहीं कर पाती है। खैर इसी कॉन्सेप्ट पर ये पूरी फिल्म को बनाया गया। अब मैं आपको बताते कैसे। तो कहानी में आपको ऐसा बताया कि योंडर नाम की एक सोसाइटी जहां पर टॉम और जेमा फंस जाते हैं। अब वो जो योंडर सोसाइटी वो आप समझ लो एक तरीके की चिड़ियाघर है, और वहां की चिड़िया है टॉम और जेमा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है जब वहां पर एक बच्चा आता है, वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि आप समझ सकते हो वो कोयल है। अब ये कोयल के बच्चे को ये दोनों चिड़िया यानी कि टॉम और जेमा को पालना है, उनको बड़ा करना है। अब आपको पता है कि किस तरीके जब कोयल का बच्चा बड़ा होता है तो वो बाकी चिड़िया को मार देता है। तो बिल्कुल ये कहानी में आपको आगे यही देखने को मिलेगा। तो ये जो योंडर सोसाइटी है, ये योंडर सोसाइटी को बसाया किसने था? मेरे हिसाब से ये योंडर सोसाइटी को एलियन लोगों ने बसाया था, वो इसलिए क्योंकि वो लोग चाहते थे कि इंसानों का एक्सपेरिमेंट करना, इंसानों को अगर इस तरीके के चिड़ियाघर में, इस तरीके का एक्वेरियम में ला के रखेंगे, उनको मात्र कुछ खाना देंगे जिससे वो लोग सिर्फ डेली सर्वाइव कर सके, और उनके थ्रू हम अपने बच्चों को पाल के बड़ा करेंगे और एंड में उनको मार देंगे। बस इंसानों से वो लोग यही काम करवाना चाहते थे, और इसीलिए इंसानों को खाना भी देते थे, लेकिन वो खाना टेस्टलेस होता था जिसकी वजह से वो लोग कमजोर होते थे, और एंड इतने कमजोर हो जाते थे या तो उनको अपने आप ही मर जाते थे, या तो फिर ये जो बच्चा बड़ा होकर उनको मार देता था। खैर उसके अलावा वो बच्चा इंसान था या एलियन था? डेफिनेटली वो बच्चा एलियन था, क्योंकि इंसानों के बच्चे साल दर साल बड़े होते हैं, लेकिन वो बच्चा मैथ 98 डेज में 7 से 8 साल का हो जाता है। और उसके अलावा कुछ ही दिनों बाद ये बच्चा करीब 20 से 22 साल का होता है, जो कि कॉमन बच्चे हो ही नहीं सकते। और वहीं पर अगर टॉम और जेमा की बात करें तो उनकी एज उतनी होती जितनी वो लोग जब यहाँ पे योंडर सोसाइटी में आते। तो यहाँ पर पता चलता है कि जो बच्चा था वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई एलियन था, एक अलग तरीके का कोई म्यूटेंट था। उसके अलावा एक और कंफ्यूजन था, वो ये था कि बच्चे जो टीवी पे बारकोड जैसी चीज देखते थे वो एक्चुअली क्या थी? तो वो जो बारकोड जैसी चीजें थी वो थी किस्म से आप कह सकते हो एलियन लोगों की लैंग्वेज थी, जो कि उस बच्चे को ही समझ में आता था। एक सीन और था इस मूवी में जहां पर हमें नजर आता है उस बच्चे के हाथ में किताब, किताब में देखो तो वहां पे इंसानों की ड्राइंग थी, साथ में एक बच्चा भी था और अलग ही लैंग्वेज में कुछ लिखा था। वो लैंग्वेज कुछ और नहीं बल्कि वो एलियन लोगों की लैंग्वेज थी, और वो बच्चा ठीक से पढ़ पाता था। और उस बच्चे को जिसने किताब दिया था वो उसे कहा था कि तुम मेरे बारे में किसी को मत बताना, और ये बच्चा जेमा को बोलता है जिसने मुझे किताब दिया वो मुझे अपने आप को बताने से मना किया। और खेल खेल में जब जेमा उससे पूछ लेती कि भाई तुमको किताब किसने, तो एक अलग तरीके का वो बन के दिखाता, वो आई थिंक एक तरीके का फ्रॉक कह सकते हैं या एक तरीके की चिड़िया भी आप उसे कह सकते हैं। तो बेसिकली वो एक तरह का एलियन था। उसके अलावा क्या इस जगह पे मल्टीपल डायमेंशन थे? तो डेफिनेटली इस जगह पर मल्टीपल डायमेंशन थे। उसका हमें पता कैसे चलता, जब एंड में जहां पर हमें जेमा नजर आती उस बच्चे को मारते हुए, तो वो बच्चा एक ऐसा खुफिया रास्ता खोलता जहां पर मल्टीपल डायमेंशन का रास्ता खुल जाता। अब ये रास्ता उस बच्चे को मारता क्योंकि यहां पर वो एक रास्ता नहीं था, यहां पर बहुत सारे ऐसे मल्टीपल डायमेंशन में जाने के रास्ते थे, और वो सिर्फ उस बच्चे को मारता जहां से वो जाकर अपने दूसरे एलियंस से मिलता था, और लोग जो उसको बोलते थे वही यहां पर वो रिपीट करता था। खैर उस बचने के लिए वो उस मल्टी डायमेंशन में घुस जाता और जेमा भी उसके पीछे जाती। वहां पर हमें पता चलता कि सिर्फ जेमा और टॉमी
नहीं, बल्कि और भी लोग इस डायमेंशन में फंस चुके, लेकिन वो डायमेंशन एक नहीं था, यहाँ पर बहुत सारे डायमेंशन थे और वो लोग थे बहुत अलग अलग डायमेंशन में थे, और उस अलग अलग डायमेंशन के थ्रू निकल के वापस से वो अपनी जगह पर पहुंच जाती जहां पर वो थक जाती है, और वो बच्चा उसको फिर से नजर आता है, लेकिन इस बार वो बच्चा उसको छोड़ता नहीं है, उसको बल्कि मार देता है, क्योंकि उन लोगों का मिशन खत्म हो चुका था, यानी कि वो बच्चा बड़ा हो चुका था, अब ये चिड़िया की कोई जरूरत नहीं थी, टॉम तो पहले ही मर चुका था, जैमा की बारी थी तो जैमा को वो बच्चा मार देता, उसको वही खड्डे में डाल देता जो खड्डा टॉम ने खोदा था, तो बस वो खड्डे को पैक करता और वो खड्डे के ऊपर जो घास फिर से आया थी, और उसके बाद वो बच्चा टॉम और जैमा की गाड़ी लेकर उसमें पेट्रोल भर के अपने रास्ते पर निकल जाता था। अब स्टेट एजेंट हमें बताया कि वो बूढ़ा हो चुका है, मार्टिन बूढ़ा हो चुका है, थोड़ी देर में मर जाएगा, और वैसा होता है कि वो मर जाता तो वो बच्चा क्या करता है, वही एक प्लास्टिक बैग में डाल के उसको ड्रॉ में डाल देता है, और उसके बाद खुद वो मार्टिन की जगह बैठ के वो बैग चला के बैठ गया, ऐसा करता है जैसे मार्टिन कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था। और उसके बाद कुछ और कपल्स हमें नजर आते हैं और फिल्म वहीं पे एंड हो जाती है। आई थिंक आपको ये फिल्म पसंद आएगी, इस फिल्म से रिलेटेड काफी कुछ आपको सवाल जो थे वो यहाँ पर आपकी क्लियर हो चुके होंगे, तो इसके अलावा अगर आपको कुछ और सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में, दिल दुआ में याद रखना, मैं हूँ रांची चेक और आप सब अरहान एंटरटेनमेंट, दिल दिल्ली।